हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। चलिए आज मैं आपको अरेस्ट से लेकर कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। अगर कोई अरेस्ट हो रहा है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप बिल्कुल काम रहिए, आप उनसे पूछिए ऑफिसर से कि किस गुनाह में वो अरेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले उनसे ये कहना कि हमें अपने घर वालों से बात करनी है, क्योंकि ये आपका राइट है कि आप अपने घर वाले से या अपने किसी फ्रेंड को इतला करो कि आपको अरेस्ट किया गया है। फ़ोन करते वक्त किसी ऐसे को फ़ोन करना जो आपके लिए आगे के सारे प्रोसीजर में आपके काम आ जाए, आप उनको फ़ोन लगा सकते हैं। उसके बाद आपको एडवोकेट करने का पूरा राइट है। जब तक आपका एडवोकेट आपसे नहीं मिलता, आप पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना। जो भी बात कहनी है आप कहना कि जब हमारा एडवोकेट आएगा तभी हम अपनी बात करेंगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से स्टेटमेंट लिया नहीं जाता है। अगली बात, अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी डॉक्यूमेंट पे, कोई भी स्टेटमेंट पे साइन करने के लिए कहते हैं, कोई स्टेटमेंट है अगर उनको कहा जा रहा है कि इस पे साइन करो, और वो नहीं जानता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो प्लीज़ उस पर साइन मत किया करो। सबसे पहले वेट करो कि लीगली कोई एक पर्सन आ जाए, कोई रिप्रेजेंटेटिव आपका आ जाए, एडवोकेट आ जाए, उसके बाद ही ये सारा काम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कस्टडी में कोई टॉर्चर कर रहा है, कुछ भी अंदर ऐसी चीज़ हो रही है, और आपको जब मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा कि वो लोग एक्यूज को बता के रखते हैं, पुलिस लोग, कि मैजिस्ट्रेट के सामने मत बताना कि अंदर मारा है। लेकिन ये गलत है। अगर आपके ऊपर हाथ उठाया गया, अननेसेसरी आपको टॉर्चर किया गया है, तो मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होके ज़रूर बताइए कि अंदर क्या हुआ था, ताकि आपका मेडिकल किया जाए और जो भी एविडेंस है वो प्रिजर्व किया जाए, और उसी वक्त आप उसकी मांग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम और मैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।